हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेकर आया हूं आपके सामने फ्रेंड्स जो पेपर अभी हुआ था हमारे सामने 12 अगस्त को जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करूंगा। जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसके बारे में डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, उनका क्या क्या आंसर थे फ्रेंड्स। तो चलिए, जैसे फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन मिले हैं उसी हिसाब से हम उनका आंसर बताएंगे आपके लिए। जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रखे हैं फ्रेंड्स, हो सकता है उसमें मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि श्योरली याद नहीं रह पाते, फिजिक्स के क्वेश्चन खासकर याद नहीं रह पाते फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दे रखा है, इसमें बोल रखा है डी वी बी की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म थी हमारे पास चार आ रखी थी फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर सभी में चार फुल फॉर्म आ रखी थी फ्रेंड्स, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, DVB की फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी होगी फ्रेंड्स डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग BROAD कास्टिंग। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए, DTH जैसा कि आप जानते हैं, DTH की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट देखिए, कथकली कहाँ का या राज्य का मतलब कहाँ का नृत्य है फ्रेंड्स, तो कहाँ का है, केरला का। नेक्स्ट देखिए, DCV की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, तो DCV की फुल फॉर्म क्या थी, तो फ्रेंड्स DCV की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट कट ऑफ वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये भी हो सकती है, वैसे DCV की फुल फॉर्म काफ़ी सारी फुल फॉर्म है इसकी फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है आपने अगर वहाँ देखा होगा तो काफ़ी वहाँ भी ऐसी फुल फॉर्म होंगी आपके सामने कि कुछ इस जो इसको हर तरह से मैच कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो हमें ये देखना था कि कौन सी इसके लिए ज़्यादा बेस्ट थी, कौन सी ज़्यादा इक्वल होगी या कौन सी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू हो ही नहीं, मतलब कोई इसके मतलब एक्सप्रेस करके दिखा रखा आपके लिए कुछ भी, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि वो उसकी फुल फॉर्म हो सकती है। फुल फॉर्म का कोई भी मतलब होता है, कोई मीनिंग निकलता है, तब जाके उसकी फुल फॉर्म कहलाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, सारे जहाँ से अच्छा, ये किसने लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने फ्रेंड्स। तो मेन बात आती है कि ये कहाँ, इसका सबसे पहले मतलब कहाँ लिखा गया, क्या करते थे मोहम्मद इकबाल जो थे, लाहौर के किसी सरकारी कॉलेज में क्या थे, प्रोफेसर बोल सकते हैं वो थे। उन्होंने लिखा था फ्रेंड्स, जो कि 1905 में फ्रेंड्स गाया गया था, मतलब इसे पढ़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, EVC की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, तो EVC की फुल फॉर्म क्या थी, इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन कोड। समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट, भारत रत्न जो है पुरस्कार, जो आपने सुना होगा भारत रत्न अवार्ड जो है पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, तो कब से प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, ये उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे राष्ट्रपति, तो तब स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स 1954 में किया गया था, 1954 में, जनवरी 1954 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बड़ौदा का अब नाम क्या कर दिया गया है, तो जैसे आपको पता होगा गुड़गांव को क्या कर दिया, गुरुग्राम, ऐसे ही इसका पूछ रहा है बड़ौदा का नाम क्या कर दिया गया है, बड़ौदरा। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूरा चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी फ्रेंड्स, जो चाय के लिए सबसे उपयुक्त होती है, सबसे अच्छी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, वोडाफोन का नया नाम क्या कर दिया है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा नया नाम क्या क्या हो गया है, आपने ये तो पता ही होगा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों क्या हो गया फ्रेंड्स, मर्ज हो गए हैं, एक दूसरे के मतलब हाथ मिला लिए हैं फ्रेंड्स, तो इसका नाम कर दिया गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, दोनों को मिक्स करके फ्रेंड्स। इतना पता है, अगर इसका मतलब कुछ और कुछ पूछ रहा हो तो समझ बोल सकते हैं कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि मर्ज करने के बाद इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले कौन से राज्य में एक्सप्रेस, तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें ट्रेन की, तो आपको सबसे पता होगा कि 1854 में चलाई गई थी फ्रेंड्स मुंबई से ठाणे के लिए, लेकिन एक्सप्रेस की बात कर रहा है कहाँ से चालू की गई थी इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 1854 में चलाई गई थी फ्रेंड्स मुंबई से ठाणे, कहाँ से, ठाणे के लिए। चलिए नेक्स्ट,
देखिए चिकन करी क्या होती है, चिकन करी एक शैली है फ्रेंड्स कपड़ों की। आपने पता होगा चिकन का कपड़ा होता है, आपने जैसे खासकर सूट वगैरह देखे होंगे, आपने किसी के पास कुर्ते पैजामे वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि कुछ डिजाइनिंग धागे वाली मिलती है। जैसे खासकर बोल सकते हैं मुस्लिम जब ईद वगैरह पहनते हैं वहाँ पर जो कपड़े पहनते हैं कभी कभी, तो उनमें ये डिजाइन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स लेडीज़ सूट पहनती हैं लड़कियाँ आजकल, तो उनमें भी ये फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो बोल सकते हैं चिकन करी कहाँ लखनऊ की सबसे ज़्यादा फेमस है फ्रेंड्स, कहाँ का लखनऊ का सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा था फ्रेंड्स, इसमें पूछ रखा था इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ क्या है ए हो, यहाँ क्या है बी सी डी ई एफ, तो क्या होगा एफ के बाद क्या आता है ई एफ जी एच। अब बीच में क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जेड था यहाँ वाई था यहाँ क्या एक्स है और यहाँ क्या होना चाहिए फिर डब्लू, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए था एच डब्लू जी। नेक्स्ट देखिए ये दे रखा था क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सीरीज का क्वेश्चन है सॉरी, ये हमारा नंबरिंग वाला दे रखा था, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें 1000 ऐड कर दिए गए हैं क्लियर। और सेकंड में देखते हैं इसमें, इसमें बोल रखा फ्रेंड्स देखिए इसमें के 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप इसमें से क्या कर दिया गया सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ये 9900 है फ्रेंड्स क्लियर। समझ पा रहे होंगे आप इस जगह को, इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप 2000 इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स क्या बनेगा ये 11 ऐसा आएगा, इस तरीके से आएगा, इस प्रकार बनेगा। लेकिन आप देख पाएंगे इसमें कितना ऐड किया गया, कितना सब्ट्रैक्ट किया गया। देखिए यहाँ तो ऐड किया गया कितना 1000 और यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट किया गया इसमें से, तो आप देखिएगा समझिएगा कितना सब्ट्रैक्ट किया, आप खुद ही देख लीजिए 0 0 यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा 1 और यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा 1, तो क्या है 1100 क्लियर। यहाँ से 1100 अगले वाले में देखेंगे कितना है, तो अगले वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ देख पाएंगे कितना आ रहा है, यहाँ मेरे हिसाब से आना चाहिए था देखो 9 और यहाँ 9 और यहाँ कितना आएगा फ्रेंड्स मतलब 99, यहाँ कितना हुआ 99 क्लियर, यहाँ 1000 1199। आगे ऐसे इसके आगे क्या आएगा फ्रेंड्स, इस पर मुझे डाउट है फ्रेंड्स क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या है थोड़ी मिल नहीं पा रही है इसमें फ्रेंड्स। देखिए अगर इसकी बात करें ये क्या बन रहा है इसका देखा जाए तो ये फ्रेंड्स होता है 99 का मल्टीप्लाई होता है 99 का स्क्वायर, एक तरह से 99 का स्क्वायर होगा तो ये होता है फ्रेंड्स। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक डाली थी फ्रेंड्स, इसमें कितना जोड़ने का 100 हो जाए तो 0 1 जोड़ देंगे, इसमें से जो हमने जोड़ा उतना घटा देंगे तो क्या आएगा ये आंसर आएगा। ये हमने आपके लिए बताया था फ्रेंड्स ये 99 का क्या स्क्वायर है और ये क्या है 100 का स्क्वायर है फ्रेंड्स, ये 99 का ये 100 का, तो इनका कुछ मैच नहीं कर पा रहा फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कुछ डाउट होगा लेकिन ऐसे ही बनेगी, जब भी आपको बता दें कोई अगर लेंथी संख्या आती है या बड़ी संख्या आती है तो समझ लीजिए कि उसमें या तो स्क्वायर या क्यूब का यूज़ किया गया फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट ईयर का इसने बोल रखा है समर को इसने रनर में चेंज कर रखा है, तो देखिए एक तो क्या हो सकता है इसने देखो फर्स्ट चेंज कर रखा है आर एस ठीक है तो वी डब्लू ठीक है, अब देखो यहाँ यू था यहाँ भी यू कर रखा तो मतलब यहाँ आई कर सकते हैं हम, अब देखिए यहाँ एन और देखो यहाँ एन के बाद क्या कर दिया उसने चेंज कर दिया एन को किस में कर सॉरी एम को किस में कर दिया उसने एन में किया है तो एम एन, तो हम एन को क्या करेंगे ओ में कन्वर्ट कर देंगे क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो टी तो उसने क्या किया 2 वर्ड्स जो यहाँ दे रखे हैं उनको चेंज किया था पूरा, तो टी को चेंज करते हैं अगर तो टी के बाद क्या आता देखिए एम के बाद आ रहा था एन तो टी के बाद यू क्लियर और बाकी का यों का त्यों, देख सकते हैं ऐसे इसमें रखा हुआ बाकी का यों का त्यों ऐसे यहाँ रखा हुआ है, तो ये कर पाएंगे फ्रेंड्स यही बनेगा अगर यही क्वेश्चन दे रखा है तो। अगर इसका एक और वर्ड दे रखा है हमारे साथ में मतलब बोल सकते हैं कि अगर एक और कोई वर्ड दे दिया हमारे लिए या कुछ और लिखा हुआ उसके इक्वल दे दिया सांकेतिक, तो फ्रेंड्स क्या होगा उस जब हमारे पास डबल चीज़ दे रखी हो ऐसे फ्रेंड्स, आपको एक क्लियरली बात बता देता हूँ जब भी हमारे पास 2 वर्ड दे रखे हों और 2 वर्ड देने के बाद उसका तीसरे वर्ड निकालने की बात कर रहा हो तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमें करना होता है। देखिए एस की जगह क्या रख दिया यहाँ आर रख दिया गया है, यू की जगह क्या रख दिया यू रखा हुआ है, तो मतलब इस तरीके से हम सिर्फ वर्ड को देखेंगे, इसमें 6 वर्ड हैं तो इसमें भी 6 वर्ड सॉरी
इसमें छः लेटर है तो इसमें भी छः लेटर होने चाहिए, मतलब छः अक्षर होने चाहिए, क्लियर। और अक्षर के सामने मतलब तीसरे नंबर पर यहाँ का है एम है, तो यहाँ क्या है एन, तो हम एन की जगह क्या करेंगे एम कर देंगे पुट, मतलब इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक्टिव पैसिव आए थे कि फ्रेंड्स दो, नरेशन आ रखे थे, प्रीपोजिशन आ रखे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फर्स्ट में रखा वन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स दे रखे थे हमारे लिए, उसमें एक तो हमें पता है फ्रेंड्स क्या था, यह था स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज तो इसे क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, लैंग्वेस्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका लैंग्वेस्टिक होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे आपने पढ़ा हो तो जैसे लैंग्वेस्टिक होता है ऐसे ही डोमेस्टिक होता है, मतलब इस वर्ड इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर मैं बात कर देता हूँ जैसे कोई सब्जेक्ट का, अगर मैं इसके लिए सब्जेक्ट की बात करता हूँ सब्जेक्टिव, तो क्या हो रहा है, जैसे आपने कोई व्याख्याता सुना होगा, व्याख्याता होता है या वाचनकर्ता होता है, मतलब एक तरह से कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति, जो काम इसके द्वारा हो रहा है व्यक्ति, उसको क्या यूज करेंगे। तो इसने पूछा स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी करना क्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कहलाता है, लैंग्वेस्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट तो देखा उसने कि सिनोनिम पूछ रहा है फ्रेंड्स, किसका पूछ रहा है, इंसॉल्वेंट का पूछ रहा है। इंसॉल्वेंट का सिनोनिम क्या होगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए इसका मतलब होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स दिवालिया हो जाना या पागल हो जाना, कुछ इस तरीके का इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स इंसॉल्वेंट का। तो उसने पूछा है कि इसका जो सिनोनिम होगा मतलब कौन सा होगा, तो होगा बैंक, इसका होगा बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट, ये बैंकक्रप्ट, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, उसने बोला कहा कि सप्रेस, तो फ्रेंड्स सप्रेस का मतलब उसने पूछा कि एंटोनिम क्या होगा फ्रेंड्स। सप्रेस का मतलब होता है कि दबाना, किसी चीज़ को रोकना, मतलब किसी चीज़ पर लगाम कसना। ठीक है फ्रेंड्स, दबाना, समाप्त करना, पराजित करना, कुचलना, मतलब किसी चीज़ को प्रेशराइज करना एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसका फ्रेंड्स इसने पूछा क्या बोलते हैं, एंटोनिम पूछा फ्रेंड्स। तो एंटोनिम हमने इसका सर्च किया फ्रेंड्स, गूगल भी किया फ्रेंड्स, तो क्या बताएं इसका गूगल से भी नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल दे रखे थे फ्रेंड्स क्या, आर्टिकल्स कैसे, मतलब जो हमारे पास जानते हैं आप ए एन दा का प्रयोग, इस टाइप के दे रखे थे फ्रेंड्स यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला था फ्रेंड्स एक से लेकर सौ के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं जो दो और पाँच से डिवाइड होती है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स दो और पाँच से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कितनी होती हैं, क्लियर, इतना आपको पता है। तो देखिए दो से जितनी भी सम संख्याएं आती हैं फ्रेंड्स वो क्या होती हैं, दो से डिवाइड होती हैं, इतना आपको पता चल गया कि दो से जितनी भी संख्या होती हैं सम संख्या क्या होती हैं, दो से डिवाइड होती हैं। तो आप जानते हैं एक से लेके हंड्रेड तक दो से डिवाइड होने वाली संख्याएं सिर्फ वन को छोड़ के, थ्री को छोड़ के, फाइव को छोड़ के, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नाइन, तो मतलब देखिए 99 मतलब टोटल कितनी हंड्रेड। तो फ्रेंड्स हंड्रेड में से सौ पचास तो ऐसी होंगी जो दो से डिवाइड होंगी, पचास ऐसी होंगी जो दो से डिवाइड नहीं होंगी, क्लियर। अब बात करते हैं फाइव से डिवाइड होने वाली, तो देखिए फाइव से कौन कौन सी डिवाइड होंगी, देखिए एक तो फाइव होगी और कौन सी हो सकती है, टेन। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं टेन तो टू से भी डिवाइड हो रही थी, तो हमने तो पहले से ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, क्लियर। तो फाइव वाली लेनी है हमें, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं फाइव होगी, फिफ्टीन होगी, ऐसे कौन सा होगा, ट्वेंटी फाइव होगा, तो इस तरीके से नाइन ये होगा 95। तो आप देख सकते हैं कितनी बनेंगी, ये बनेंगे फ्रेंड्स हमारे पास टेन, क्लियर। तो टेन ऐड कर देंगे, टोटल हमारे पास कितनी संख्या होंगी आप देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं कितनी होंगी, टेन होंगी या नहीं होंगी। देखिए अगर जोड़ के देखते हैं तो दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सौ, तो फ्रेंड्स कितनी होंगी, हम मतलब टेन होंगी। तो हम बोल सकते हैं कितनी होंगी, ये सिक्सटी संख्या ऐसी होंगी, मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, साठ संख्याएं ऐसी होंगी जो दो से भी डिवाइड होंगी, दो से तो डिवाइड होंगी होंगी और फाइव से भी डिवाइड होंगी जो बची हुई है। अगर वो केवल यह पूछ रखा है क्वेश्चन में कि इन दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए, पूरी पूरी दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए, मतलब अगर फाइव से करें फाइव से भी हो जाए, टू से करें टू से भी हो जाए, तो वो होंगी फ्रेंड्स ओनली फिफ्टी। ठीक है फ्रेंड्स, 50 में कौन कौन से होंगी, जो 2 से भी डिवाइड होंगी कुछ, और कुछ कैसी होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी।
अगर फ्रेंड्स वो बात करता है कि सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो फ्रेंड्स 2 से डिवाइड होने वाली तो ओनली 50 होंगी फ्रेंड्स। अगर बात करता है कि ओनली 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो फ्रेंड्स 5 से डिवाइड होने वाली संख्या होंगी फ्रेंड्स ओनली 20। समझ पा रहे होंगे, 5 से डिवाइड होने वाली ओनली 20 होंगी, 2 से डिवाइड होने वाली टोटल 50 होंगी फ्रेंड्स। जब इन दोनों से डिवाइड करने की बात करें, तो दोनों से डिवाइड कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों से डिवाइड करने की बात करें तो फ्रेंड्स एक ही संख्या बनती है, 10 बनेगी, 20 बनेगी, 30 बनेगी, जो दोनों से डिवाइड हो सकती हैं। तो इस तरीके से 100 तक कितनी बनेंगे, ओनली 10 संख्या ऐसी होंगी जो दोनों से डिवाइड होंगी कॉमनली। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर रहा था आपसे, अभी मैंने बोला था कि 60 हैं, तो 60 का मतलब क्या है? 60 का मतलब फ्रेंड्स ऐसा है कि जो कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी, और कुछ संख्या ऐसी होंगी जो इनमें से 5 से डिवाइड होंगी। कंबाइंड पूछ रहा था फ्रेंड्स, कंबाइंड दो ही ओनली 10 संख्या ऐसी होंगी जो दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन दे रखा था, इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था। मैंने फ्रेंड्स आपसे हर बार एक क्वेश्चन बात करा रहा हूँ, क्वेश्चन की बात करता हूँ हमेशा कि देखिए, जब भी हमारे पास लिखा हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2 आगे है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2x। अगर फ्रेंड्स यहाँ 4 कर देता हूँ, यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे, जब मैंने दोनों पे स्क्वायर कर दिया तो मैं इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। किस तरीके से? होल स्क्वायर भी लिख दूंगा, तो भी हम लिख सकते हैं इस बात को, क्लियर? तो होल स्क्वायर तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ करूँगा 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का ही करूँगा नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा फ्रेंड्स साइन 2x, और यहाँ बन जाएगा dx, क्लियर? तो अब इसका मैं क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है फ्रेंड्स। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्लियर? अगर मैं इसे ऊपर लेके जाना चाहूँ तो फ्रेंड्स चला जाएगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा cos 2x, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या आएगा 4 cos 2x और dx। अब हमें इसका करना है फ्रेंड्स, इसका डिफरेंशिएट क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका? मैंने क्या बताया था आपके लिए कि हमारे पास बना था 4 cos x, ये था, क्लियर? तो देखिए इसका अगर डिफरेंस हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, देखिए 4 तो यहाँ आएगा, अब देखिए cos x 2x का करेंगे, तो cos x 2x का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका होगा फ्रेंड्स log mod 10x, और फ्रेंड्स ये 2 की वजह से क्या होगा 2, ये यहाँ आ जाएगा 2, आप जानते हैं इस तरीके से आ जाता है। अब फॉर्मूला, मेन फार्मूला क्या होता था, यहाँ होता था फ्रेंड x अपॉन 2, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 2 ऑलरेडी यहाँ था, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया 10x आया, तो एक आंसर तो ये होगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा 2 log mod में 10x प्लस सी, ये होगा। अगर बात करता हूँ इसका दूसरे फॉर्मूले की, तो दूसरा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स इसका, देखिए समझिएगा फ्रेंड्स, 4 तो यहाँ का तो रहेगा, 2 भी नीचे अपॉन में आएगा ही आएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स इसका log cos 2x आएगा माइनस cot 2x आएगा फ्रेंड्स, दूसरा ये होगा। तो आपका जो ऑप्शन था फ्रेंड्स उस पर आप टिक कर दीजिएगा, आपने जो टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराया था फ्रेंड्स, आपको बताया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे फ्रेंड्स, उसमें बताया था। तो देखिए दूसरे तरीके से हम इसे करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले अंडर रूट वाले को सॉल्व करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ देखिए, अगर मैं रखता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स cos 90 प्लस x, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स जब 90 प्लस थीटा होता था तो हम क्या होते थे, माइनस का साइन x होता था फ्रेंड्स, 90 माइनस थीटा क्या होता था, माइनस का साइन x, तो आप समझ सकते हैं जब माइनस का साइन x आएगी इसकी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वही कंडीशन बन जाएगी, समझ पा रहे होंगे, अपॉन यहाँ फ्रेंड्स प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा, प्लस में कैसे कर दूंगा, और यहाँ रख दूंगा cos, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता माइनस का साइन एक्स, तो वही कंडीशन हमने अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रेंड्स 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली फॉर्मूला, और ये बन जाएगा नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स वाली फॉर्म। तो मतलब कैसे, देखिए यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 2 साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो थीटा दे रखा था क्या था, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ऐसे ही यहाँ था फ्रेंड्स 2 cos 1 अपॉन 2 स्क्वायर था फ्रेंड्स, यहाँ आएगा 1 अपॉन 2 प्लस, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स cos 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स 10 स्क्वायर 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये बन जाएगी फॉर्म। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 10 इनवर्स पहले से ऑलरेडी है, और हमारे पास अंदर जो क्या आ रहा था 10
इसकी वैल्यू क्या रही थी, 10 वन अपॉन टू पाई अपॉन टू प्लस एक्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, टू टेन से टेन हट गया तो हमारे पास क्या आ रहा था, पाई अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन टू आएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिमिट दे रखी है। देखिए पहले, इससे पहले मैं नीचे वाले क्वेश्चन करा देता हूँ आपके लिए। देखिए, सबसे हल्की धातु, ये हमारे पास जो साइंस के क्वेश्चन आया, लिथियम होती है फ्रेंड्स। चुंबकीय तरंगें नहीं होती फ्रेंड्स, उसमें था अल्फा बीटा गामा, कौन सी तरंगें नहीं होती, चुंबकीय तरंगें, अल्फा तरंगें, चुंबकीय तरंगें नहीं होती फ्रेंड्स। देखिए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो था कुछ इस तरीके से, हो सकता है क्योंकि उसने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिकल है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ था फ्रेंड्स कॉस थीटा और यहाँ था साइन थीटा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, ये माइनस में था, एक प्लस में था, तो इसका क्या पूछ रहा था, इन्वर्स फाइंड करवा रहा था। तो आप इन्वर्स जानते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले इनके जो विकर्ण होता है उसे चेंज करते हैं। तो देखिए, इस साइन को यहाँ पहुँचाऊंगा, इस साइन को यहाँ पहुँचाऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो मैं एडजेसेंट क्या निकालूँ, पहले एडजेसेंट ए निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका एडजेसेंट ए, इसका निकालूंगा फ्रेंड्स एडजेसेंट ए। कैसे निकालूंगा, आप जानते हैं जो यहाँ पे दे रखे होते हैं ये और ये आपस में चेंज हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। दूसरा क्या करते थे, दूसरा हम जो दूसरे विकर्ण होता था उसके सिर्फ साइन जो होते थे उसके सामने जो चिन्ह होते थे नहीं चेंज करते थे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, ये निकल गया फ्रेंड्स हमारा एडजेसेंट, क्लियर। तो हमारे पास इन्वर्स के लिए फॉर्म क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन होता था मॉड ए, तो मॉड ए फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। तो मॉड ए क्या निकल के आ रहा था यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, वन। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसका एडजेसेंट जो हमारे पास निकलेगा इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या आएगा, ये आंसर होना चाहिए था, ये जो हमारे आपके सामने लिखा हुआ है, यही आंसर होना चाहिए था अगर इस टाइप का था तो। नेक्स्ट देखिए, हाँ अभी क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम आपसे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए कैसे करना था ये क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं आपसे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने ट्राई किया फ्रेंड्स, हमें लगता है इसमें थोड़ी कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन को, मतलब पूरी तरह से पूरा क्वेश्चन नहीं है ये। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है तो आप हमारे लिए हमारी मेल आईडी पर उसका मेल कर सकते हैं, आप एक कागज़ पे या एक पेपर पे आप उसे नोट डाउन करके, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं पेपर है फ्रेंड्स आपके मैथमेटिक्स का, तो फ्रेंड्स आप उसे नोट डाउन करके, तो प्लीज़ आप हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है फ्रेंड्स selfstudy44@gmail.com। तो फ्रेंड्स आप हमें इस मेल आईडी पर कमेंट कर सकते हैं, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, selfstudy44@gmail.com। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द अगला कुछ नया चटपटा और आपके लिए हमने लाभदायक और आपके लिए यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।